बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू? होप सो यू विल बी इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड ईमान। चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1। तो नंबर 5 की बारी है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। या एलसीएम का जो फार्मूला है वो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बता चुकी हूँ, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 की तरफ आ जाएं। हमारे पास मेन इस वक्त दो वैल्यूज़ हैं और एक ये वाली और एक ये वाली है वैल्यू। ये देखने में मुश्किल लग रही है लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले है एक्स फोर माइनस वाई फोर, क्लियर कट ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला है। तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर, क्योंकि वो 4 होता है, और वाई स्केयर का स्केयर। तो a माइनस बी ए प्लस बी, याद है ना आपको, a प्लस बी ए माइनस बी लिख लें, चाहे पहला माइनस में लिख दें और अगला प्लस में लिख दें। तो पहला है एक्स स्केयर, दूसरा है वाई स्केयर, सेम हेयर एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर। तो हमारे पास ये बन गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब हमारे पास फिर वही सिचुएशन आ गई कि अब हम इसमें देखें क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसके फैक्टर्स फिर बनेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, इससे ज़्यादा इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाएं। यहाँ पर तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास इस वक्त क्या सिचुएशन है, 3 कॉमन है। अब गर्ल्स यहाँ पर इतना बड़ा क्यूबिक फॉर्मूला तो कहीं भी नहीं आता, और वैसे भी ए क्यूब है तो लेकिन बी क्यूब होल मौजूद नहीं है। तो हम देखेंगे पेयरिंग वाला एक्सरसाइज 5.1 वाला मेथड, यानी टू टेक कॉमन वाला। तो हम यहाँ पर अगर इनकी पेयरिंग कर दें इन दोनों की और इन दोनों की, तो इसमें कॉमन आ रहा है एक्स स्केयर, अंदर बचेगा एक्स प्लस टू वाई, यहाँ कॉमन आ रहा है माइनस वाई स्केयर देखें, और अंदर बचेगा एक्स प्लस टू वाई। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन आ जाएंगे तो अंदर बचेगा एक्स प्लस टू वाई, कॉमन निकल गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के ऊपर वाले सेम फैक्टर्स यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है। इस क्वेश्चन में दो यानी फॉर्म बन चुकी हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब हमने इसमें कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो मैं आपको यहीं पे पहले बता देती हूँ कि इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन से हैं और हमारे पास अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं। कॉमन फैक्टर हैं एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और इसके अलावा और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब हमने ये जो कॉमन फैक्टर एक्स वाई एक्स प्लस वाई लिए हैं वो यहाँ लिख दिए। अब हम अनकॉमन फैक्टर की तरफ जाएंगे गर्ल्स। तो हमारे अनकॉमन फैक्टर हैं टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, थ्री एंड एक्स प्लस टू वाई, यानी 4 वैल्यूज़, टू थ्री एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स प्लस टू वाई, यहाँ लिखिए। अब हमने इन वैल्यूज़ को 1, 2, 3, 4 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम मिलेगा। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने रिवर्स प्रोसेस लगाना है गर्ल्स, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन में लगाया था। देखें एक्स फोर को हम यहाँ तक एक्सटेंड करके लेके आए थे, तो अगर ये वैल्यू होगी तो रिवर्स बैक में ये एक्स फोर माइनस वाई फोर बन जाएगी। यहाँ देखिए पहला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये एज इट इज़ रहा, और इसी तरह ये दोबारा बन गया x की 4 माइनस वाई की 4, एक्स प्लस टू वाई एज इट इज़, जबकि 3 × 2 = 6 होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 है गर्ल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। और यहाँ देखिए अब हमने 4 × x 4 − 1 पहले इसके फैक्टर बनाने हैं। 4 के फैक्टर होंगे 2.2। ठीक है, प्राइम फैक्टर होनी चाहिए अगर इस तरह के कॉन्स्टेंट्स हों तो। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी अभी पीछे किया एक्स फोर माइनस वाई फोर। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का मेथड लग रहा है, वाई की जगह 1 है, तो ये हो गया ए स्केयर होल स्केयर, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, वेयर ए इज़ एक्स स्क्वायर एंड बी इज़ 1। ठीक है, अब हमने दोबारा देखा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला है, देन इट विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू की तरफ चलें। सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 6 × x³ − x² − x + 1।
तो गर्ल्स ये भी उसी तरह से हैं, 6 के फैक्टर 2, 3 बन जाएंगे। जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 इसका थर्ड पार्ट किया है, तो उसमें भी हमारे पास फर्स्ट टू वैल्यूज़ हैं, उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से भी, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कंप्लीट क्यूबिक फॉर्मूला नहीं लग रहा कम अज़ कम। तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा एक्स माइनस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन आया, एक्स माइनस वन इन दोनों को कॉमन निकाल दिया तो अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये फार्मूला बन जाएगा सेम ऐसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया है। अब हमने इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं कि हमारे पास इसमें कॉमन फैक्टर क्या होंगे। यहाँ देखिए गर्ल्स, दोनों में कॉमन फैक्टर है, एक तो टू, यहाँ चेक कीजिए, 1, 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, फिर है एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, ये दोनों में है, यहाँ देखिए ये दोनों फैक्टर आ गए। उसके बाद अब हमने चेक करना है कि हमारे पास अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो गर्ल्स, अनकॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं एक्स स्क्वायर, एक तो वन है, एक टू है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक थ्री है, और एक लास्ट वन है एक्स माइनस वन। ठीक है, तो हमने अब इनको यहाँ पर लिख दिया है 2, 3, एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स माइनस वन। अब नेक्स्ट में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये बन गया 2 डॉट, यहाँ देखिए ये 2 डॉट 2 डॉट 3, ठीक है, ये 2 डॉट 2 डॉट 3 मतलब 12 हो गया। इसी तरह एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये 4 वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास, ये 3 वैल्यूज़ जो हैं, ये दोबारा से अगर आप पीछे चेक करें, ये इसी की एक्सटेंशन है एक्स फोर माइनस वन की, यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से ये यहाँ, तो हम रिवर्स लगाएंगे अब यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन यहाँ से याद रख लें कि यही सेम अमाउंट बनेगी, लेकिन ये प्लस में है तो ये नेगेटिव में, और फिर यही वाली अमाउंट बढ़ जाएगी तो एक्स फोर बन जाएगी माइनस वन, और बाकी क्वेश्चन एज इट इज़। तो गर्ल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनको ध्यान से समझिएगा।